Frozen. अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? इट्स ग्रेट ग्रेट टू बी लाइव विद यू, मीट सिदीक लाइव. अभी आमिर इकबाल साहब कुछ मिनटों में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, और आपके जो भी क्वेश्चन है नीचे आप रजिस्टर करें. नीचे वो आप देख रहे होंगे साइन इन है या रजिस्टर है. अगर आप ऑलरेडी साइन इन हैं तो आप साइन इन करके क्वेश्चन पूछ. कुछ लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन हमारे साथ पूछे हुए हैं और हम उनको भी आंसर करेंगे. और ये कि यू कैन गेट लाइव ऑन ज्वाइन अस लाइव बाई क्लिकिंग ऑन द लिंक meetsadiq.com/joinlive. हमारे साथ मोहम्मद बशीर हैं. बशीर, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं और बताएं कि आप यहाँ पे हेल्प कर रहे होंगे, नीचे क्वेश्चन का आंसर कर रहे होंगे, और लिंक भी पोस्ट कर देना meetsadiq.com/joinlive. मेरा नाम मोहम्मद बशीर है, मैं यहाँ क्वेश्चंस वगैरह आपके लेता हूँ, फिर उनको आंसर के लिए अपने गेस्ट से आंसर लेके फिर यू कैन हियर द आंसर डायरेक्टली फ्रॉम आवर गेस्ट. ओके, बहुत शुक्रिया. आप जो ये सिंपल सा मैं आपको रूल बता देता हूँ. हर गेम के रूल होते हैं कि आपने जो क्वेश्चन आप पूछेंगे वो आपने 30 सेकंड में अपना क्वेश्चन क्लियरली बताना है. आप सलाम करें या ना करें कोई बात नहीं, हाल हवाल कोई बात करने की जरूरत नहीं है. स्ट्रेट अपने क्वेश्चन पे बात करें ताकि हम उस 30 सेकंड में आप क्वेश्चन पूछेंगे, हमारे पास 30 सेकंड है, हम उस क्वेश्चन को रिवाइज करके इस तरह एक्सप्लेन कर दें ताकि हर बंदा बंदी जो भी वाच कर रहा है उसको क्वेश्चन आंसर समझ आ जाए. फिर अगला टेस्ट ये है कि हम आपको 2 मिनट में आपका क्वेश्चन आंसर करेंगे. सो हर क्वेश्चन के लिए हमारे पास एलोकेटेड 3 मिनट्स हैं. कोशिश ये होगी कि हम 30 मिनट में 10 लोगों के सवाल आंसर कर सकें. सो ब्रिंग इट ऑन. पहला क्वेश्चन कौन सा है और कौन ज्वाइन करना चाहते हैं? आप लिंक आप करें meetsadiq.com/joinlive. Let me see that I'm going to read some while Amir Iqbal comes. I'm going to read some questions. One second, if I can see them, if I know how to share the screen, let me check. Is it working? Is it live now? One second. Yes, it's working. Okay, good. Some Muhammad Akram, he asked how to use this website. Okay, bring him if he is live. I gave him the link. Join meetsadiq.com/joinlive. They will come to this page. They will come inside. We want them to ask that question inside. You know. जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? पहुंच गए हैं, वेलकम. हाँ जी, थैंक यू, पहुंच गया. बस सॉरी मैं थोड़ा नहीं नहीं कोई बात नहीं, अपनी वीडियो ऑन करें आप. जी मैं एक मिनट सर मुझे दे दें. जी इकबाल साहब, आमिर साहब, आप
सॉरी, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। आप म्यूटेड हैं, आप अनम्यूट करें। जी, अब हो गया। ओके गुड जी। खालिद साहब आप, यू आर ऑन स्क्रीन। खालिद आप गो अहेड विद योर क्वेश्चन। खालिद, ओके ही इज गॉन। डोंट वी लव दिस लाइव एक्सपीरियंस जिसमें होस्ट भी लेट आ रहा है, गेस्ट भी लेट आ रहा है, और वजह कोई भी हो सकती है, हम लेट तो है ना, यू नो। और वो जो जो गेस्ट हैं, वो जो जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो उनको अभी वो लाइव का वो जो है ना, वो अपने आप को वो नहीं है अभी, मेरे ख्याल वापस आ गए। बिल्कुल जी, अभी एक्सपीरियंस नहीं है, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से लाइव करना है। जी जैसे उमर हमारे साथ अभी एक्टिव जी हुआ है, राजा हमारे साथ भी एक्टिव हुआ है। अभी उमर आप अपने आप को अनम्यूट करें एंड गो फॉर द क्वेश्चन। ओके कौन है ये? हेलो, वी लव टू हेयर योर क्वेश्चन इफ यू कैन से इट। ओके ये काफी लोग आ रहे हैं लेकिन बोल कोई भी नहीं रहा इसमें से, अब कैसे पता चलेगा? अहमद सर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा शुरू के अंदर, ऐसा है कि लोगों को पता नहीं चलता, और बट ऐसा ऐसा सेट हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा अहमद, अहमद गो फॉर द क्वेश्चन। अहमद आपकी बैक साइड से बहुत आवाज आ रही है, आप अगर क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन करें, वरना मैं सजेस्ट करूंगा कि आप म्यूट कर लो अपने आप को, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो। जी अहमद गो फॉर द क्वेश्चन, अपने आप को म्यूट कर लें जाते हुए और फिर बाद में क्वेश्चन करें आप। अगर क्वेश्चन है, अगर हमारी आवाज आ रही है तो आप क्वेश्चन करें प्लीज। अहमद आप अपने आप को अनम्यूट करें फिर बात करें ना, आप अगर बात कर रहे हैं तो हमें नहीं सुन रहा। ओके ये अच्छा, अब ये सबको आने का शौक है, बोलने का शौक नहीं है, अब क्या करें, हम फिर बोलते रहें। अच्छा ये आप मैं आपको आमिर भाई, ये मैं आपको ना क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, ये देखें। ये एक साहब हैं जिन्होंने ये पूछा है हमें कि आपके लिए क्वेश्चन है, ये देखें। ओके भाई वेट करें, जो भी हैं मैं आपको म्यूट कर दूंगा, अगर आप अपने वीडियो पे आके भी अपना वेट करें अपनी टर्न का। ओके ये आमिर सुल्तान है, ये कहता है ही वांट टू नो के प्री रेक्विजिट क्या है बिफोर लर्निंग एसईओ और एनीथिंग, जंप इनटू देम, व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेज टू लर्न एसईओ। जी आमिर इकबाल साहब गो फॉर इट। ओके थैंक यू आमिर सुल्तान, अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो मैं इसमें आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे जो बेस्ट सोर्स है एसईओ को स्टार्ट करने के लिए, आप अगर उसके अंदर जंप करना चाहते हैं, देन गो टू गूगल वेब मास्टर टूल, और जो उनका ऑफिशियल ब्लॉग है उसको थोड़ा सा रीड करें, और जो उनकी ऑफिशियल गाइड है वेब मास्टर टूल से आपको इजीली डाउनलोड कर सकती हैं, जो गूगल की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गाइड है, पीडीएफ फाइल के अंदर आपको अवेलेबल हो जाती है। जब आप उसको रीड करेंगे तो आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि बेसिक है क्या, एसईओ है क्या चीज, और उसके बाद जब आपको बेसिक चीज समझ आ जाएगी देन आप गो अहेड फॉर द डिफरेंट कोर्सेज। ओके थैंक यू आमिर इकबाल साहब, ये मैं आपको दूसरा सवाल आपको दे रहा हूँ, ये आपका सही टेस्ट है। हमास अहमद हैं ये पूछ रहे हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि बाय डूइंग इवेंट ब्लॉगिंग, ये मैंने सुना है कि आप माशाल्लाह आमिर इकबाल साहब इसमें मास्टर हैं, बट वी विल सी नाउ कि ऑब्वियसली ए ग्रेट थिंग टू डू, बट आई एम कन्फ्यूज हाउ टू गेट मच बैकलिंक्स इन जस्ट अ फ्यू डेज, लाइक 2-3 डेज बिकॉज ऑफ द इवेंट थिंग, लाइक पेज गेट 4-5,000 बैकलिंक्स, सो they use any software or manual method, please Amir Iqbal sahab help in the question, I'm waiting for your reply. Hamas Ahmed ne acha sawal pucha hai, Amir sahab aapki bari hai. जी Hamas Ahmed, इसमें ऐसा है कि देखें जब आप इवेंट की तैयारी करते हैं तो मैं 6-8 माह पहले इवेंट की तैयारी शुरू कर देता हूँ। लाइक मेरे सामने टारगेट है कि मुझे पता है कि मैंने कौन सा
इवेंट को टारगेट करना है. लाइक अगर मैं न्यू ईयर करना अगर मैं न्यू ईयर 2017 करना चाहूंगा तो मैं जून जुलाई के एंड के अंदर मैं साइट बना के उसके ऊपर काम करना शुरू कर दूंगा. इस तरह होता है. और आपने कहा 2 से 3 दिन के लिए, डेफिनेटली मैनुअल कोई भी नहीं कर सकता इतना. उसमें आप स्क्रैप बुक सॉफ्टवेयर है वो यूज कर सकते हैं ब्लॉक कमेंटिंग के लिए, डायरेक्टरी सबमिशन या बुक मार्किंग जो वो होते हैं बुक मार्किंग सॉफ्टवेयर है उससे बुक मार्क कर सकते हैं, या एस न्यू या इस तरह के कोई भी सॉफ्टवेयर है उनसे इतने ज्यादा बैकलिंक बनते हैं. लेकिन मैं अगर आपने किसी इवेंट पे काम करना है, ऐसा नहीं है कि 3-4 दिन पहले आप करके आप कहेंगे मैं उसमें वो लाइक रैंक कर लूंगा साइट. उसमें ऐसा है कि आपको फिर सोशल से ट्रैफिक लेनी पड़ेगी, लाइक पेड ट्रैफिक जिसे कहते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग उसमें आपको करनी पड़ेगी, या सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी पड़ेगी. फेसबुक से ट्रैफिक ले लें आप, या गूगल एडवर्ड से ट्रैफिक ले लें, इस तरह आपको ट्रैफिक लेनी पड़ेगी. यस, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वेरी गुड. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्दिक मोदी, हाउ कैन आई अर्न मनी इन गूगल एडसेंस, हाउ एनी ट्रिक टू प्लीज हेल्प मी एंड गाइड मी. बेसिकली वो कहना ये चाह रहे हैं कोई हमें कोई वो जुगाड़ कोई ट्रिक बता दें जिससे सारा कुछ मसला हल हो जाए. वो बताएं जी ट्रिक क्या है. ट्रिक मैं वैसे बिफोर यू आंसर इट लेट मी गिव यू द ट्रिक, इससे हमारे बाल सफेद हो गए इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए. ये बड़ा हार्ड वर्क है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है. हाउएवर आई एम नॉट द एक्सपर्ट, आई एम रिक्वायर्ड सम गो फॉर इट. ओके, गूगल एडसन से मनी करने मनी बनाने के लिए देखें कोई भी ट्रिक नहीं होता. बेसिकली आपको सिस्टम को समझना पड़ता है कि हाउ सिस्टम वर्क, गूगल एडसन वर्क किस तरह कर रहा है. आप देखें अभी आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की ट्रिक यूज करके कि उनके अकाउंट ब्लॉक हो जाती है, उनकी पेमेंट रुक जाती है. भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिस्टम कि किस तरीके से सिस्टम वर्क कर रहा है, उसके बाद आप काम करें. अगर आप राइट वे के ऊपर हैं तो देन पैसा कमाना मुश्किल नहीं है गूगल एडसन से. लेकिन अगर आप वही जुगाड़ लगाने की कोशिश करेंगे तो वो हमसे ज्यादा समझदार हैं और हमसे ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर बहुत मुश्किल है आपके लिए. मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा कि जो आप ट्रिक की बात कर रहे थे, वो ट्रिक ये जो मल्टी बिलियन हंड्रेड ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर जो कंपनियां बना रही हैं उनको आपके सारे ट्रिक्स का पता है, तो ट्रिक का रास्ता छोड़ें और असल काम पे आएं और असल प्रोसेस को फॉलो करें ताकि ये आपका काम आसान हो जाए. जी जी आमिर इकबाल साहब, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है शुजान अली से. ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, माय क्वेश्चन इज हाउ कैन वी रैंक एफिलिएट साइट्स एंड लॉन्च जैकिंग टर्म व्हेन प्रोडक्ट इज लॉन्चिंग सून, मार्केटर्स आर गोइंग टू प्रमोट the product soon, how rank our website, how to make it stable, face competition and rank top. Thank you for. Okay, Shujan, इस केस में ऐसा होता है कि देखें जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होती ना, वो लॉन्चिंग से पहले बता देते हैं. बेसिकली ये भी उनकी भी एक मार्केटिंग का टैक्टिक है कि वो लॉन्च से पहले बता देते हैं. बेसिकली ये उनकी लॉन्च ही होती है, लेकिन वो जब आपको बता देते हैं और आप जब उसके ऊपर साइट बनाते हैं तो उसके ऊपर कंपिटिशन नहीं होता, और जिस साइट के ऊपर कंपटीशन नहीं होता तो वो आपकी साइट रैंक हो जाती है. और जब साइट आपकी रैंक हो जाती है और फिर जब वो प्रोडक्ट प्रॉपर लॉन्च करते हैं तो क्या होता है कि आपकी साइट ऑलरेडी टॉप के ऊपर होती है. तो इसमें क्या है कि आपको जो साइट्स हैं जैसे जेवीजू हो गया, या अगर आप एफिलिएट में क्लिक बैंक के अंदर जाते हैं तो आपको उन प्रोडक्ट या उन जो है लोगों से रابطे में रहना पड़ता है कि हम ये प्रोडक्ट बनाने लगे हैं, ये प्रोडक्ट की इस डेट को हमारी लॉन्चिंग है. तो उससे पहले आपने अपना पूरा गेम प्लान बना के अपनी साइट सेटअप करके उसको रेडी करना होता है ताकि जैसे ही वो लॉन्च करें आपकी साइट टॉप के ऊपर होगी और आपको सेल अच्छी मिलेगी. बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर मुझे बात सही समझ आई, मुझे करेक्ट में आई रॉन्ग बाय द वे, जेवीजू उसका जो फाउंडर है ब्रायन ज़िमरमैन, ही इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. ब्रायन अगर आप इसको वॉच करें सो थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड मैन. और ये कि जो जिसकी प्रोडक्ट आप लॉन्च करने लगे हैं, जिसकी साइट आप एफिलिएट साइट के प्रोडक्ट आप करना चाहते हैं, वो जब वो अपने एफिलिएट साइन अप कर रहे होते हैं, वो बड़े महीनों पहले वो एफिलिएट रिक्रूट कर रहे होते हैं, आपको उस वक्त उनके साथ एफिलिएट बनना पड़ता है सो दैट दे कीप यू इन द लूप कि वो उनकी लॉन्च कहाँ पे है, कैसे आ रही है, ये वो. इज द राइट आमिर साहब? यस, बिल्कुल बिल्कुल, यही कहने का मेरा भी मकसद है कि आपको उनके साथ रابطे के रहना पड़ता है और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डेट को लॉन्च हो रही है ताकि उससे पहले आपका जो पूरा मटेरियल है वो रेडी हो. यूजली एज एन एग्जाम्पल मैं आप कहता हूँ, ये एलेक्स मंडोजियन, ही इज माई मेंटर, वो अभी लॉन्च कर रहे हैं, अप्रैल की कोई डेट है या मार्च की एंड की डेट है और मुझे ये 3 महीने पहले से अभी से पता है, 3 महीने पहले से मुझे पता था, आज की बात नहीं मैं कर रहा. और वो पुश बटन इन्फ्लुएंस प्रोडक्ट है. अब ये मुझे 6 महीने पहले पता है प्रोडक्ट का लॉन्च होने का, उसके दैट्स प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू एनीथिंग. ये कब होगा? जब आपका उनके साथ रिलेशनशिप होगा. रिलेशनशिप पर्सन होना जरूरी नहीं है. In fact, they need your support, by the way. They, you are the best person for them. They want to help you, anything to make your success. Because you basically,
वो आपकी हेल्प भी कर रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं कब लॉन्च कर रहे हैं, क्या लॉन्च कर रहे हैं, इसमें क्या फीचर्स हैं, क्या है सारा कुछ, वो अपने सेल्फिश रीजन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप जब प्रोडक्ट सेल करेंगे तो उससे क्या होगा, उनको भी आपको भी पैसे मिलेंगे, उनको भी पैसे मिलेंगे। आप मेरे इकबाल साहब, ये कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आज लाइव क्वेश्चन आंसर करने का? नहीं जबरदस्त, बड़ा मजा आ रहा है जी, एंजॉय कर रहे हैं हम जी। और बड़ा हैप्पी हूँ कि लोगों ने क्वेश्चन पूछे और माशाल्लाह अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं सबने, और दूसरों को भी इससे काफी जो है इल्म मिलेगा जो लोग सुन रहे हैं जो हमें बात कर रहे हैं जी। अच्छा एक सवाल ये और था जो मैंने स्किप कर दिया, अभी इस पे आते हैं। ये सलमान शुजा पूछते हैं कि हाउ टू मेक अ फैबुलस लिंक्डइन प्रोफाइल, एनी प्रोफेशनल स्किल्स फॉर गुड लिंक्डइन प्रोफाइल। आमिर अकबास, अगर आपकी इजाजत हो तो आई कैन टेक दिस क्वेश्चन। You know what? LinkedIn profile is the, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, इफ यू वॉन्ट टू बी एन ओनली वन सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑन ओनली वन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, द लिंक्डइन इज द प्लेस टू बी। ओके, यू डोंट नीड टू बी एनी अदर प्लेस। फेसबुक, ये सब कुछ ठीक है, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ ये लिंक्डइन के बेस पे हैं सारी। प्रोफेशनली मैं बात कर रहा हूँ, मैं सोशलाइजिंग के लिए बात नहीं कर रहा। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, लिंक्डइन पे आपको मस्ट होना चाहिए अगर आप पैसे बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो आपके जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, जो टॉप के लीडर्स हैं, जो सीरियल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी टाइप के लोग हैं, देयर आर 400 मिलियन ऑफ देम ऑन लिंक्डइन। आपको एक अच्छी प्रोफाइल जो है, आप अपने रिज्यूमे से पहले शुरू करें सबसे पहले। बल्कि मैंने इसके लिए क्या किया है, मैंने 3-4 वीडियोज, जो अगर आप पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अकेडमी के अगर स्कॉलरशिप विनर्स हैं, इसमें 3-4 वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं। बल्कि मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाता हूं कि आप इसको देख लें और इसको पढ़ लें, और मैं अपना पूरा सीक्रेट आपको बता रहा हूं कि इसको आप कैसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। कॉपी करने का फायदा नहीं है, आपकी स्किल्स आपकी अपनी है, लेकिन आप उसको करें। अगर आपने पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अकेडमी का स्कॉलरशिप विन किया हुआ है, उस ग्रुप में है, तो आप उसका वो वीडियोज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। स्कॉलरशिप भी फ्री है, लेकिन आपको अप्लाई करना है। उसके लिए पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अकेडमी .com पे जाएं, अप्लाई पे क्लिक करें और अप्लाई करें। अगर आपने प्रोसेस शुरू किया है तो उसको कंप्लीट करें और फिर आपको उसकी एक्सेस मिल जाएगी। दैट आंसर, होपफुली दैट आंसर योर क्वेश्चन। और आमिर साहब, कोई ऐसी चीज, कोई टॉप 3 टिप्स इनको देना चाहें जो जो अभी क्वेश्चन पूछ नहीं सके, क्योंकि हमारे कॉम में क्वेश्चन पूछने का इतना ट्रेंड नहीं है। बल्कि मैं बहुत खुश हूँ कि कुछ क्वेश्चन आए हैं, और ये कोई 3 टिप्स आप बता दें जिससे आप वो SEO के मास्टर बन सकते हैं। पहले तो मैं एक आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, काफी लोगों के मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं कि सीटें फुल हो चुकी हैं। या इसमें 1500 लोग आ सकते हैं, ये वेट कर रहे हैं। अभी हम आपको 30 सेकंड में दे रहा हूं, उसके बाद हम किसी लोगों को अनम्यूट करेंगे। आप खालिद, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो, यू आर द नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू ब्रिंग यू ऑन स्क्रीन। ओके, तो 3 चीजें मैं जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ जिसमें आप एक अच्छे SEO एक्सपर्ट बन सकते हैं, अच्छे आप अपनी साइट को रन कर सकते हैं, उसमें फर्स्ट रिसर्च, सेकेंड रिसर्च एंड थर्ड रिसर्च। वंडरफुल, वेरी गुड, वेरी गुड। खालिद, आप स्क्रीन पे हैं, बताएं क्या क्वेश्चन है आपका आमिर साहब के लिए या मेरे लिए। जी अस्सलाम सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे लाइक बायर्स फाइबर के अंदर, फाइबर के थ्रू हम इस तरह ढूंढते हैं कि एक तो अपनी जो सर्विस है वो गिग के फॉर्म में लॉन्च करते हैं, और सेकेंड बायर्स रिक्वेस्ट में जाके हम ऑर्डर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये वो टेक्निक है कि हम फाइबर के अंदर कैसे ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि हमें कुछ ऐसी ट्रिक्स बताएं कि हम आउटसाइड द फाइबर जो है ना अपने ये ऑर्डर्स जो है वो ढूंढ सकें और बायर्स ढूंढ सकें। तो इस तरह की कोई ट्रिक्स हमें ये बताएं। जी जी आमिर साहब, ये आमिर साहब के लिए सवाल है या मेरे लिए सवाल है? सर कोई भी आंसर कर दें। आमिर साहब गो फॉर इट। ओके थैंक यू। देखिए ऐसा है कि आपके पास सोर्स होना चाहिए जहां पर लोग आपसे राब्ता कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आप डाटा एंट्री की आपके पास स्किल है, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल कह रहा हूं, और लोग डाटा एंट्री ढूंढ रहे हैं, डाटा एंट्री पीपल्स इन पाकिस्तान, और जब आपके पास एक साइट है, एक सोर्स है, आपकी साइट टॉप के ऊपर आएगी, तो क्या करेंगे, वो आपसे राब्ता करेंगे, राबता करेंगे, तो यू कैन गेट जॉब। अगर आपके पास सोर्स ही नहीं है, अगर उनके पास फॉर एग्जाम्पल फाइबर एक सोर्स है ना, मिडिल मैन का एक रोल कर रहा है ना, आप जाते हैं, आप अपनी सर्विस वहां देते हैं, जो लोगों ने सर्विस बाय करनी वो वहां से बाय करते हैं, वो क्या कहते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करते हैं। तो लोग सर्च कर रहे होते हैं, हमें कैसे ढूंढेंगे, वो आपने खुद चीजें अपनी पैदा करनी है। आप अपनी वेबसाइट बनाएं, उसके ऊपर जाएं, ये डिफरेंट जो बड़ी है, खाली फाइबर के ऊपर ना रहें, अपवर्क, ईलांस, गुरु,
फ्रीलांसर इनके ऊपर जाएं और इन पे जो बड़ी कंपनीज होती है वो यहां से लोग पिक कर लेते हैं, उनको फिर परमानेंट हायर कर लेते हैं, फिर वो उनको परमानेंट, उनको फाइवर या फ्रीलांसर इधर जाने की जरूरत नहीं है, फिर वो आपके साथ रابطे में रहते हैं फाइवर स्काइप के ऊपर या थ्रू ईमेल, और वो आपको जॉब देते रहते हैं और आपसे जो भी है काम करवाते रहते हैं। जी आमिर साहब बहुत शुक्रिया, लेट मी आंसर, मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा जिसका जवाब डिटेल में तो अभी इतने शॉर्ट टाइम में नहीं दे सकते। अभी मैं तीन वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें ये बता रहा हूँ जो फाइवर के जो लोग हैं, जो पीपल हु आर हैप्पी क्लाइंट्स ऑफ फाइवर, आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन कैप्चर देम स्टेप बाय स्टेप, यू नो हाउ आई गिव एवरीथिंग इन स्टेप बाय स्टेप सो यू कैन सी इट, दे आर अबाउट टू बी गेट, यू विल शुड बी गेटिंग दैट वीडियो इन अ वीक और सो। ये वीडियो सिर्फ जो पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एकेडमी के जो स्कॉलरशिप विनर हैं उनको नजर आएंगी, किसी और को नजर नहीं आएंगी। जस्ट यू नो स्कॉलरशिप भी फ्री है, आप उसके लिए स्कॉलरशिप अप्लाई करें तो यू विल गेट दैट वन। और इसके लिए आपको कभी फाइवर के पे वेट करने की जरूरत नहीं है, जो लोग फाइवर पे यूज कर रहे हैं और बड़े खुश हैं उनको मैं आपको ढूंढने का फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे तरीका बताऊंगा। वी हैव सीन इट ऑलरेडी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ माय टाइम टू गेटिंग टू एंड रिकॉर्डिंग इट। ओके खालिद यू कैन लीव सो समबडी एल्स कैन कम, यू कैन लीव दिस वन, थैंक यू सो मच खालिद। और ये है महर, महर है कोई, ये अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन करें। महर के बाद शेक्स हैं, SHAX, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। महर गो फॉर इट, व्हाट्स योर क्वेश्चन? महर मेरे ख्याल चले गए हैं। अहमद अली, या अहमद अली, शेक्स यू कैन अपने आप को अनम्यूट कर लें। उमर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, और वन पर्सन हुआ उस्मान यू कैन अनम्यूट कर लें अपने आप को। चले नेक्स्ट टाइम आप पहले सीख के आए कि गूगल हैंगआउट में अपने आप को अनम्यूट कैसे करते हैं जब आपकी बारी आती है। सो देयर इज ओनली लिटिल टाइम, वी हैव 4-6 मिनट लेफ्ट, वी नीड टू आंसर मोर क्वेश्चंस, वी स्टक इन अ म्यूट सिचुएशन राइट नाउ, एवरीबॉडी इज हियर बट दे आर म्यूटेड। ओके अहमद अली खान का क्वेश्चन है, उन्होंने चैट में पूछा है, लेट मी आंसर हिम। या उन्होंने ये पूछा है कि एफिलिएट मार्केटिंग साइट लाइक Amazon की जो साइट है कैसे रैंक कर सकते हैं, क्या पीबीएन जरूरी है रैंकिंग के लिए? तो अहमद भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है, पीबीएन बिल्कुल जरूरी नहीं है रैंकिंग के लिए। अगर आप प्रॉपर उसका ऑन साइट करते हैं, प्रॉपर आपके पास कंटेंट है तो आपकी साइट विदाउट पीबीएन के भी रैंक हो जाती है, बट उसको बैकलिंक्स देने पड़ते हैं। बैकलिंक्स आप डिफरेंट टाइप के दे सकते हैं, ब्लॉक मिंक कर सकते हैं, वेब 2.0 कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर पीबीएन ही जरूरी होता तो लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो पीबीएन बना के अपनी साइटें रैंक कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको थ्रू प्रॉपर जो उनका है गूगल का सिस्टम है उसको फॉलो करके अपने साइट को रैंक करना पड़ता है। जी थैंक यू। जो लोगों को पीबीएन का नहीं पता उनको बताएं पीबीएन है क्या चीज। ओके पीबीएन प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क होता है, लाइक आपके पास 30-35-15-10-25 अपनी साइट्स होती हैं जो हाई क्वालिटी, जिनके ऊपर बैकिंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, जो जिनकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उनसे उनके उनकी आप अपना एक नेटवर्क बना लेते हैं और अपनी जो भी अपने साइट रैंक करनी होती है आप उसके ऊपर अपने लिंक डालते हैं और यू कैन गेट बैकलिंक्स एंड गेट। जी बिल्कुल आमिर साहब, मैं आपको एक क्वेश्चन ऑन स्पॉट पूछने लगा हूँ। ये प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क गूगल ने बड़े वो ये जो काफी इनके पीछे पड़ गए थे कुछ महीनों पहले या साल पहले की बात है, तो उनके उसकी बेसिस पे स्टिल यू रिकमेंड के हमें आपको वो के पीबीएन की तरफ जाना चाहिए लोगों को? जी डेफिनेट सर, देखें अगर किसी के पास सोर्स है, मैं एवरीवन ऑल जो मुझे जानते हैं सब जानते हैं कि मैं पीबीएन यूज करता हूं, मैंने पीबीएन अपना सेटअप किया हुआ है। ओके गुड गुड, डिपेंड करता है कि आप कितना यूज करते हैं। ओके गॉट इट। वजाहत यू आर ऑन मेन स्क्रीन, गो फॉर योर क्वेश्चन। वजाहत जी क्वेश्चन क्या है आप जल्दी करें, वो आपने म्यूट कर लिया, क्या बात है। वी हैव 2-4 मिनट्स लेफ्ट। वजाहत आपकी आवाज आ रही है, बोलें प्लीज। नहीं ये म्यूट कर लिया इन्होंने, पहले अच्छी बड़ी आवाज आ रही थी, अब म्यूट कर लिया। अब अनम्यूट करें फौरन, नहीं वी कैंट हेयर यू। चले नेक्स्ट टाइम, पहले से ये म्यूट अनम्यूट सीख लेने पहले से नेक्स्ट टाइम सही। शैक्स आप यहाँ पे बैठे हैं कैमरे में देख रहे हैं, आपने आपका अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें। वजाहत गो फॉर इट, यू आर बैक नाउ। ओ फिर उन्होंने म्यूट कर लिया, अच्छा अब चले कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सी एवरीबॉडी सी यू, यू लुक गुड मैन। चले और कोई है फ्री लांसर है एक, ये भी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर रहे, जो अनम्यूट नहीं कर रहे वो अपने आप को यहाँ से छोड़ चले जाए ताकि कोई और यहाँ पे आ सके, क्योंकि यहाँ पे गूगल की लिमिट है 10-12 लोग के लिए आ सकते हैं। जी
जी सुने आप नहीं आप आवाज आवाज ऊंचा बोलें और सवाल पे जाएं, फौरन जाएं, वी हैव ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपवर्क पे काम करता हूँ, ठीक है। जी हम अपवर्क पे क्लाइंट को लॉन्ग टर्म कैसे चला सकते हैं? मिसाल के तौर पे मैं एसईओ का जी काम करता जी हूँ, जी समझ गए आप, सवाल समझ आपके आ गया है कि आप अपवर्क को क्लाइंट को रेपिटेटिव बैक मतलब उसको री गेन करके बार बार आप उनसे बिजनेस कैसे ले सकते हैं, यही सवाल है ना आपका? यही क्वेश्चन है, यही जी क्वेश्चन। आमिर साहब गो फॉर इट। कौन साहब थे, क्या नाम था इनका? टिक्के खान। टिक्के खान, अच्छा टिक्के खान। ऐसा है कि अगर आप उनको सही सर्विसेज देते हैं, देखिए आपके पास अगर कोई बड़ी कंपनी है उनको आप सही सर्विस देते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं, तो वो कहीं और नहीं जाते। बिलीव मी, अगर आपने काम ठीक किया है, उनको काम जो प्रोमिस किया है वो फुलफिल किया है, जो आपने टाइमलाइन जो उन्होंने दिया उस पे आपने अपना काम कंप्लीट कर दिया, तो वो कहीं भी और नहीं जाएंगे, वो आपसे ही हमेशा काम करवाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनकी डेडलाइन मिस कर देते हैं, हम उनको काम प्रॉपर नहीं देते, तो देन वो उसमें जाते हैं। हमारे पास है 5-5 साल से क्लाइंट जा रहे हैं, वो कहीं और नहीं जाते क्योंकि वो जो डेडलाइन देते हैं उसके ऊपर मैं पूरा करता हूं उनको काम। तो यही एक है कि जो कमिटमेंट करो उसको फुलफिल करो, नथिंग मोर। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वी आर गेटिंग टू द क्लोजिंग। आप नेक्स्ट टाइम, हम हर वेनेसडे को बुध वाले दिन शाम को 8 बजे लाइव होते हैं, आप 8 बजे से 5-10 मिनट पहले आएं, अपना म्यूट अनम्यूट पहले से चेक कर लें, और नीचे से आप पूरे हफ्ते में जब मर्जी आके नीचे से क्वेश्चन, ये नीचे क्वेश्चन की आ रहे हैं वहाँ पे, क्वेश्चन आप पहले से पूछ सकते हैं हम, ताकि हम आपका क्वेश्चन दूसरों को दिखा सकें, और ये अपना स्पीकर वीडियो सारा कुछ चेक कर लें। जब आपकी बारी आए तो गो विद द क्वेश्चन वेरी क्लियरली राइट अवे, ताकि वी कैन आंसर योर क्वेश्चन। वी लव टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच आमिर साहब एंड ऑल द गेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते बात होगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और पूरे पाकिस्तान को। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।